अपने अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप अगर खुद पर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो आई डोंट थिंक एनी एनर्जी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू, आई डोंट थिंक इट विल स्टॉप यू। और आप एक एग्ज़ाम में फेल होते हैं, मैं कितने एग्ज़ाम में फेल हुआ हूँ, आई हैव सीन अ सीरीज ऑफ फेलियर्स, 5-6 बार फेल होने के बाद उसके बाद उठा हूँ मैं, उभरा हूँ, एंड आई एम राइट नाउ अ डेप्यूटी मैनेजर विद SBI, तो आई गॉट ऑल्सो प्रमोटेड रिसेंटली, तो उसमें लाइक वी ऑल सी फेलियर्स। पर मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास खुद का मोटिवेशन है, आपके पास लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, एक दो ही लोग हों, तो आप आगे बढ़ सकते हो अपने मोटिवेशन को रखकर और मेहनत को रखकर। लक कुछ नहीं होता। हेलो ब्रो, वेलकम टू कैमरा टीवी टॉपर्स एंड इनिशिएटिव अनअकैडमी। माय नेम इज अक्षय। वी सी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस हु गो थ्रू फेलियर्स एंड देन reach the level of success with lot of hardship and lot of work, and they put in a lot of effort to reach that particular level. Today we have a topper who cleared SBI examination and many other examination with his hardship and lot of work, lot of efforts and everything. He faced failure in multiple times in his life, and today he has a success at his hand and is doing pretty well at it. So let's meet Vicky Khiyani, SBI PO 2016 topper. Hello Vicky, welcome to the show. Thank you for having me on the show. So how does it feel after clearing the examination? Oh, it feels amazing. SBI is one of the premier organizations in the banking industry. It's one of the top 50 organizations of the world. So what can be a better thing? So was it a dream to get into SBI PO? Yes, I had this dream. थोड़ा बहुत मुझे लगता था उस टाइम पर कि आई शुड परस्यू बैंकिंग when आई वॉज इन टू CA, तो उस टाइम पर आर्टिकलशिप जो ट्रेनिंग चलता था, तो आई वॉज इन टू कॉन्करेंट ऑडिट विद द बैंक्स, तो आई न्यू द एनवायरमेंट, आई न्यू एवरीथिंग, तो उस टाइम पर मुझे लगता था कि यस आई शुड परस्यू अ करियर इन बैंकिंग, इट वुड बी गुड। That's interesting. Now you are living your dream at SBI PO. Yes. तो कैसा लगता है to live a life with SBI? How does it feel? It's amazing. अब तो ऐसा है कि banking industry, it requires you to work a lot. It helps you grow as a person. तो अभी 2-2.5 साल हो गए हैं मुझे इस industry में, और अब मुझे अच्छा लग रहा है कि like I have grown as a person as a whole. So it's good. So Vicky, we have a lot of aspirants who are preparing for the bank examination, and today you stand as a role model for them, and you know, we would like you to take us through the journey of, you know, success for SBI PO. So let's start with the examination itself. आपने कब decide किया था कि आपको exam लिखना है? मैंने 2015 में decide किया था. Okay. उस time पर मैंने सोचा कि I should ट्राई फॉर PO एग्जाम्स। ओके। और पहला एग्जाम जो मैंने दिया था दैट वाज IBPS। IBPS PO में मैंने मेंस क्लियर नहीं हुआ मेरा। RRB PO में मेरा मेंस क्लियर हो गया, लेकिन इंटरव्यू रह गया। एंड देन केम SBI PO इन 2016 एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सब निकल गया उसमें। तो आई हैव ग्रोन स्टेप बाय स्टेप। तो एंड IBPS PO और RRB PO वो एग्जाम दे वर सॉर्ट ऑफ लर्निंग फेजेस, जिसमें आई फेल्ट कि हाँ कुछ वैल्यू एडिशन हुआ मेरा, जिस वजह से फिर मेरा SBI PO निकल गया। ओके, सो ईच एंड एवरी फेलियर व्हिच यू फेस्ड इन IBPS PO और RRB PO, बीट मेंस और प्रीलिम्स और इवन द इंटरव्यू स्टेज, हेल्प्ड यू इन सम ऑफ द अदर वे टू क्लियर द SBI PO एग्जाम। ओके, सो यू कैन गिव अस द लर्निंग्स अबाउट दोस इंटरव्यूज इन अ लिटिल बिट लेटर पार्ट। सो आई वुड लाइक टू गो थ्रू योर स्कूलिंग लाइफ एंड यू नो कॉलेज, एंड आपने CA भी किया था, सो हाउ वाज द जर्नी सिंस द स्कूल? माई स्कूलिंग हैपन फ्रॉम माई होम टाउन, झांसी में ही मेरी स्कूलिंग रही, और क्लास 12 में आई वॉज द स्कूल हेड बॉय, और उसके बाद I was also the topper of class 12 board exams. तो अमूल विद्या भूषण अवार्ड होल्डर भी हूँ मैं। Congratulations. तो उस टाइम पर, हाँ, थैंक यू सो मच। उस टाइम पर द स्कूलिंग लाइफ वेंट रियली स्मूथ, इट वेंट रियली वेल। उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद माई CA, तो CA में भी अप टू फाइनल इट वॉज वेरी गुड, लाइक आई वेंट ऑन वेरी स्मूथली विद दैट। 3 साल का ट्रेनिंग हुआ CA के अंडर में, वो सब भी कम्प्लीट हो गया। CA में मेरा पहला अटैम्प्ट रहा मई 2014 में, और ड्यू टू सर्टेन फैमिली इशूज़ मेरे जो पहला अटैम्प्ट था, इट डिडंट वेंट वेल, और आई फेल्ड मिजरेबली।
और नेक्स्ट अटेम्प्ट मेरा नवंबर 2014 में रहा, उसमें भी मैं फेल हो गया. और फिर नेक्स्ट मई 2015 में दिया, उसमें भी मैं फेल हो गया. तो वो जो फ्लो टूटा उसके बाद आई कुड नॉट रिकवर और दैट ब्रॉट मी इन टू अ लॉट ऑफ डिप्रेशन. 10-10 घंटे पढ़ाई करने के बाद उसके बाद यू डोंट गेट रिजल्ट्स, यू आर सीन बाय द सोसाइटी एज अ फेलियर, एज अ लूजर. तो उस टाइम पे आई वॉज टोटली हार्ट ब्रोकन, आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड. उस टाइम पर आई थॉट कि आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ. पर यू ऑल हैव मेंटर्स इन योर लाइफ. आई हैड दिस मेंटर सौरभ जुनेजा सर, ही इज अ टीचर विद अन अकेडमी. तो सौरभ जुनेजा सर हेल्प मी अ लॉट. उन्होंने बोला कि नहीं, यू कैन डू इट, यू गो फॉर द SBI एग्जाम्स, यू गो फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स, आप ट्राई कर सकते हो. तो मैंने ट्राई किया एंड आई गॉट थ्रू. और एक साल करीब मुझे लगा टाइम. डिप्रेशन इज अ वेरी बैड फेज, तो उससे वापस आना थोड़ा सा मेरे लिए टाइम टेकिंग था. एंड यू फेस मल्टीपल फेलियर्स विद सीए एग्जामिनेशन एंड इवन विद द बैंक एग्जामिनेशन. यस. एंड देन सौरभ जुनेजा सर वेर द वन हु टुक यू फ्रॉम द फेलियर टू सक्सेस. यस यस. Would you like to give some kind of message to him? A thank you kind of message to him? Oh, thank you so much, sir. Thank you, Saurabh sir, if you are watching this video. I cannot be more grateful to you. I wish you all the success. You already are a very successful teacher in Jhansi. But I wish you all the success ahead. And aap bahut aage badhiye. That's all I can wish for. That's all I can hope for. Kya bank exam ke quant section mein 30 plus marks lana possible hai? Bilkul possible hai. मैं खुद इस सेक्शन में 4 बार फुल मार्क्स स्कोर कर चुका हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए क्वांट को लेकर. अगर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखो और मल्टीपल रिवीजन सही तरीके से करो तो आप क्वांट में फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो. मैं आपको स्पीड इंक्रीज करने का एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसे अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप इस सेक्शन को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएंगे. 6 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको क्वांट बहुत ही ईजी मैनर में बेसिक से ही एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा. मैं हूं आशीष अरोड़ा और मैं बैंक एग्जाम के लिए अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूं. लेट्स बिगिन द जर्नी फॉर द एग्जामिनेशन. एंड आपने जब स्टार्ट किया था SBI PO, बिफोर यून स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन, आपने रिसोर्सेज और जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कहाँ से लिए थे, कहाँ से गैदर किए थे? मटेरियल्स और रिसोर्सेज तो मैं वहाँ पर जो लोकल कोचिंग थी जहाँ सौरभ सर जहाँ से मैं पढ़ता था, तो उन्होंने वो थोड़ी शीट्स वगैरह देते थे मुझे प्रिपरेशन के लिए, और दूसरे कुछ ऑनलाइन मटेरियल्स थे वो मैं रेफ़र करता था. तो अराउंड 2015 में, मिड ऑफ 2015 टू एंड ऑफ 2015, उस टाइम तक मैंने मटेरियल्स रेफ़र किए, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया. okay. और 2016 से आई स्विच टू मॉक टेस्ट्स कंटिन्यूसली. So is it like आपने जब बेसिक अपना जो स्ट्रॉन्ग किया था, यू स्टडीड ऑल द सब्जेक्ट्स एट वंस एंड या फिर आपने कैसे प्रिपेयर किया था? सुबह क्लासेस होती थी, क्लासेस लेता था थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता था. टाइमिंग्स अलॉट कर रखी थी, दैट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी वन स्ट्रेंथ्स. मेरी थोड़ी सी मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी तो मैथ्स को मैं कम टाइम अलॉट करता था. रीजनिंग मेरे लिए बिल्कुल फ्रेश टॉपिक था, बिल्कुल ब्रांड न्यू था, तो रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा मुझे. फिर उसके बाद इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, वो थोड़ा सा ओके मतलब इक्वल टाइम उनको अलॉट करता था. ओके. एंड यू स्टैंड फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, सो वाज इट काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन? नो, लाइक द होल ऑल द 3 स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस एंड इन द इंटरव्यू. No, I won't say that it was difficult. Yeah, it requires a lot of hard work. पर engineers के लिए जितना tough है उतना ही commerce background वालों के लिए भी tough है. Okay. दोनों के लिए बराबर tough है. तो it's not like कि commerce वालों को कोई edge नहीं है या commerce वाले कर नहीं सकते. Like I'm standing in front of you, if I can do it, anyone else can. So that's the thing. So, lot of commerce aspirants, those are preparing for the exam, they have this fear कि मैं नहीं कर पाऊँगा. इंजीनियर्स के सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा, या फिर इतने सारे इंजीनियर्स होते हैं वो कहते हैं कि उनका मेथड अच्छा होता है. सो ये एक पॉइंट होती है कि आपको अपना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा. तो आपने ये कैसे स्ट्रॉन्ग किया था मैथमेटिक्स अपना? मैथमेटिक्स मेरा बेसिक्स थोड़े से मेरे पहले से ही स्ट्रॉन्ग थे, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता. लाइक मेरी स्कूलिंग अच्छी हुई थी तो उस टाइम पे मैथ्स मेरा बेसिक, मुझे मेरा फोर्टे हुआ करता था मैथ्स. उसके बाद मैथ्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है और आप अगर ट्रिक्स पर वर्क नहीं कर रहे हो तो मैथ्स का कोई यूज़ नहीं है. ओके. एग्जाम्स में
तो वो जो ट्रिक्स हैं छोटी छोटी जो स्पीड बढ़ाती हैं, एक्यूरेसी के साथ आपको स्पीड चाहिए. अगर आप मैं एक्स को लेके क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगा मैथ्स में तो इट वोंट वर्क. यू नीड सम ट्रिक्स, और छोटी छोटी ट्रिक्स अगर आप लेंगे तो उससे आपको फायदा होगा. तो उस ट्रिक्स पे मैंने काम किया. कुड यू गिव सम एग्जांपल ऑफ द ट्रिक्स जो आपने यूज किए थे? कुड बी एनी सब्जेक्ट. ट्रिक्स के एग्जांपल लाइक एज फार एज डी आई इज कंसर्न, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों को. मेन्स में डी आई आता है, मेजर पावर पोर्शन जो है मैथ्स का वो डी आई में कवर्ड होता है. तो डी आई में मैंने क्या किया था कि जो एनालिसिस पार्ट है वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग किया था मैंने. ओके. हाँ, तो जो ग्राफ्स वगैरह आते थे उन ग्राफ्स को एनालाइज करना में स्पीड बढ़ाई थी मैंने, और मतलब वेराइटी ऑफ डी आईज लगाई थी. तो जितनी ज़्यादा आप वेराइटी लगाओगे उतने ज़्यादा आपका एनालिसिस पार्ट स्ट्रांग होगा. वो एनालिसिस पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो उसमें क्या होता है, आप जब मेंस के पैटर्न पे जाएंगे, जैसा कि 2016 से जो पैटर्न चेंज हो गया है उसमें कैसा था कि जो डीआई थी पांच क्वेश्चंस अगर उसमें दिए हुए हैं तो दो या तीन उसमें से ईजी थे और एक मॉडरेट लेवल का था क्वेश्चन. okay. और एक या दो बहुत टफ थे. तो यू हैव टू स्विच बिटवीन डीआईज. आप अगर एक डी आई पे फोकस करके, नहीं ये एनालाइज कर लिया है मैंने, इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर लिया है तो मैं पांचों इसी के क्वेश्चंस लगाऊंगा, तो दैट विल वेस्ट योर टाइम. तो एनालिसिस पार्ट पे आप स्ट्रांग बनिए, उसके बाद आप तीन क्वेश्चंस एक डी आई के लगाइए, नेक्स्ट पे स्विच करिए, इजी इजी पोर्शंस को पहले टैकल करिए, फिर आपके पास अगर टाइम बचता है तो देन यू कैन गो फॉर इट, गो फॉर द मॉडरेट एंड टफ वंस. ओके. पर दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी, दैट वॉज वन एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स की डी आई में मैंने कैसे टैकल किया चीजों को. सो जस्ट लाइक यू हैड योर ओन स्ट्रेटजी एंड एस्पिरेंट्स कैन हैव देयर ओन काइंड ऑफ मेथड और ट्रिक और जो भी यू वो यूज करना चाहते हैं. इट्स नॉट लाइक एक ये मैंने चूज किया या फिर किसने चूज किया तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा. दे कैन बिल्ड अप देयर ओन स्ट्रेटजी एज़ वेल. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जैसे इसमें मेरे साथ तो क्या होता था कि आई वॉज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. तो मेरी जो क्लास रहती थी 20-25 स्टूडेंट्स हुआ करते थे. अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होते थे, जैसे इंग्लिश का टेस्ट हुआ, तो उस टेस्ट में मेरे मार्क्स, हम आप समझ लो मेरी रैंक जो है वो 6th या 7th स्पॉट पे होती थी. ओके. मैथ्स पे 6th या 7th स्पॉट पे होती थी, हर सब्जेक्ट में 6-7. लेकिन अगर ओवरऑल एक टेस्ट होता था तो मेरी स्ट्रेंथ ये थी कि मैं सब में ठीक ठाक था. आई वॉज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. तो थोड़ा थोड़ा सब मुझे आता था, तो आई वॉज इन द फर्स्ट और सेकेंड स्पॉट. तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली स्ट्रांग कर रखा था. हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है. दे कैन वर्क विद लाइक सम ऑफ माई फ्रेंड्स, दे क्रैक्ड SBI PO जिनकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग थी और इंग्लिश में वीक थे. किसी किसी की रीजनिंग बहुत स्ट्रांग थी, मैथ्स में वीक थे, तो उन्होंने भी SBI PO क्लियर किया है. इट्स ऑल अबाउट योर ओन पर्सनल स्ट्रैटेजी, दैट्स वॉट मैटर्स. ओके. फैन. सो स्पीकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, आपने कहा था कि आपने सारे अपने जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपने पहले 5 महीने में कर लिए थे एंड उसके बाद आपने लगातार मॉक टेस्ट दिए एंड यू ऑल्सो हैड अ स्ट्रैटेजी फॉर द मॉक टेस्ट, राइट? आप एक घंटे एग्जाम देते थे एंड बाकी के 3 घंटे यू वुड एनालाइज द पेपर. कैन यू टेल अस अबाउट इट? यस. मेरा सिंपल सा स्ट्रैटेजी था, दिन का एक मॉक टेस्ट दो, 1 घंटा उसमें ख़त्म हो जाता था, उसके बाद 2 घंटे मैं उसको एनालिसिस के लिए देता था. जो 2 घंटे एनालिसिस के लिए देता था मैं, उसमें कैटेगराइजेशन कर रखा था मैंने. जैसे सबसे पहले क्वेश्चंस आए, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश 3 होते हैं प्रीलिम्स में, तो उसमें मैंने कैटेगराइजेशन कर रखा था 2 पार्ट्स में. पहले तो टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी, दैट्स वॉट इट्स ऑल अबाउट. तो स्पीड और एक्यूरेसी सबसे पहले मैं फोकस करता था स्पीड पे. तो मैं देखता था कितनी कैटेगरी के क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं उसको कहीं नोट डाउन कर लेता था. स्पीड टिप डिस्टेंस टाइम का एक क्वेश्चन आया है, इसका दूसरा क्वेश्चन आया है, डी आई एक आ गया, इस तरीके से मैं उसको बायफरकेट कर देता था. उसके बाद बायफरकेट करने के बाद आई यूज टू सी कि टाइम कितना लगा. स्पीड डिस्टेंस टाइम में अगर मुझे 30 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली लग रहे हैं और मुझे 1 मिनट लग गया या 1.5 मिनट लग गया, जितना टाइम नहीं लगना चाहिए था, तो मैं उस पर ज्यादा काम करता था. ओके. ये तो मेरा स्पीड का हो गया. एक शीट ले आता था. हाउ वुड यू इंप्रूव योर स्पीड? कुछ शीट्स होती थी, जैसे डेली शीट्स आती हैं काफ़ी ऑनलाइन साइट्स पे, और मैं फिजिकली शीट्स जाके ले आता था अपने सर से. तो वो शीट्स होती थी, मैं उन शीट्स के वेराइटी ऑफ क्वेश्चन उस टॉपिक के कर लेता था. तो वो वेराइटी ऑफ टॉपिक जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे रिवाइज हो जाते थे. वो रिवाइज हो जाते थे एक बार, तो वो कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स जो होती हैं छोटी छोटी, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा था जो मैं भूल गया था, वो रिवाइज हो जाती हैं. तो उससे इट गेट्स अ लिटिल ईजी कि हम लोग फिर वापस से फिर उसको टाइम थोड़ा सा धीरे धीरे करके और कम करते हैं. दूसरा पोर्शन जो था वो मेरा एक्यूरेसी का था.
ओके अब एक्यूरेसी तो प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होती है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. तो एक्यूरेसी में मैं ऐसे एनालिसिस करता था कि कौन से क्वेश्चन गलत हो गए, और उसमें भी दो कैटेगरी बना रखा था मैंने कि कुछ गलत हुए क्योंकि वो मुझे आते नहीं थे, और कुछ गलत हुए जो सिली मिस्टेक था मेरा. तो वो जो सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन थे उनको अवॉइड करता था मैं, और जो आते ही नहीं थे जिस पर अभी भी काम करना है तो उसके लिए तो और ज़्यादा एफर्ट्स डालता था. ये मेरा स्ट्रैटेजी था इसको लेके. एंड आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, फेवरेट टॉपिक? फेवरेट टॉपिक ऐसा कहिए तो मेरा मैथ्स था. ओके हाँ, मैथ्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी था. मैं उसमें अगर इतना इंटरेस्टिंग लगता था मुझे कि मैं उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देता था. तो मेरा मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग था. ओके एंड लेट्स स्पीक अबाउट मेंस एग्जामिनेशन. मेंस के लिए यू हैड अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू इनपुट आउटपुट एंड द पजल, द थ्री वेरिएबल पजल. तो आपने उसे कैसे कोप अप किया? एज फार एज इनपुट आउटपुट इज कंसर्न, वो मेरा आज भी वीक है, थोड़ा सा वीक ही है. मतलब आई टेक इट ऑन द वीकर साइड, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तो आई कुड नॉट कोप अप विद दैट. बट एज फार एज थ्री वेरिएबल पजल्स आर कंसर्न, उसमें मैंने प्रैक्टिस किया और मुझे ये समझ में आया कि थ्री वेरिएबल पजल्स आर नथिंग बट दे आर समथिंग दैट आर डिफाइंड बाय देयर नेम इटसेल्फ. दे आर पजलिंग, दैट्स इट. तो उसको बस थोड़ा सा आपको फिल्टर करना होता है. आप एक बार उसको फिल्टर कर लो फिर वो इजीली होने लगती है. पहले मुझे थ्री वेरिएबल पजल्स में, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे एक एक पजल बनाने में आधा से पौन घंटा लग जाता था. ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. तो मुझे लगता था अरे तुम्हारे एग्जाम ही छूट जाएगा इसको लेके. तो देन देयर आफ्टर आई वाज लाइक कंफर्टेबल धीरे धीरे करके, जब मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स लगाए थ्री वेरिएबल पजल्स में. टू वेरिएबल्स तो बहुत ईजी होता है, सब लोग लगा लेते हैं, थ्री वेरिएबल पजल्स में फिर उसके बाद धीरे धीरे करके I got through. एक घंटे से लेके तीस सेकंड तो पजल्स नहीं बन सकता है, लेकिन हाँ जैसे पांच क्वेश्चंस उस पे डिपेंडेंट होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली दो से तीन मिनट तक कर पर क्वेश्चन, एटलीस्ट 30 सेकंड्स लेंगे तो एटलीस्ट 3 मिनट्स से लेके इट इज अराउंड, इट टेक्स अराउंड 5 मिनट्स. तो एक बात बताइए कि मतलब टॉपर्स यूजुअली लोग मानते हैं कि वो 24 घंटे पढ़ते हैं, मतलब जितनी घंटे होते नहीं, आपने कितने दिन? ट्रस्ट मी, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ टॉपर, ट्रस्ट मी. मैं तो 3 से 4 घंटे पढ़ता था, और CA डिमांडेड मी टू स्टडी फॉर 10 to 12 आवर्स. आई लेफ्ट CA, सो बिकॉज इट वॉज नॉट इम्प्रूविंग मी एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग, आई वॉज गोइंग डाउन. आई फेल्ट दैट, और डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा था मैं उस टाइम पर. तो जब अभी ऐसा, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि 3 घंटे 2 घंटे मैंने पढ़ लिया, 4 घंटे मैक्सिमम, 4 घंटे पढ़ा. उसके बाद आई ज्वाइंड गिटार क्लासेस. नाइस. हाँ, 1 घंटा मैं गिटार बजाता था डेली, मतलब 1 घंटा क्लास जाता था, उसके बाद 1 घंटा गिटार बजाता था. एंड आई हैड दिस पैशन ऑफ फोटोग्राफी और समथिंग, तो कुछ ना कुछ मैं करता रहता था. म्यूज़िक में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं सिंगिंग करता रहता था. तो ये सारी की सारी चीज़ें, आई यूज टू बैलेंस माई स्टडी एंड लाइफ. दैट्स द थिंग, स्टडी इज नॉट लाइफ, लाइफ इज वेरी डिफरेंट. लाइफ, स्टडी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो दिस वॉज शुड डी टू मोटिवेट यू फ्रॉम योर फेलियर्स एंड देन कम बैक अगेन. ऑफ कोर्स, इट हर्ट. यस, सो दैट्स नाइस. अब ये सब करने में एक्चुअली बहुत मुश्किल लगती है, एंड यू नो एज फार एज योर स्टोरी गोज, आपकी इंटरव्यू में भी देयर वर लॉट ऑफ फेजेस जहाँ पे आप, आपको लगा कि यू कुड, यू आर नॉट एबल टू डू इट, एंड यू हैड सर्टेन थिंग्स एज वेल व्हिच आई वांट यू टू से टू द ऑडियंस कि हुआ क्या था एग्जैक्टली. तो कैन यू टेल मी अबाउट द होल इंटरव्यू फेज स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग ग्रुप JDA से लेके इंटरव्यू तक, कैसा रहा? ओके, तो ग्रुप डिस्कशन में, लाइक आई वॉज, वेन आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स हाउस, आई स्टेड एट फ्रेंड्स हाउस से लेके मैं SBI के हेडक्वार्टर्स पहुँचा, LHO लोकल हेड ऑफिस, वहाँ पर इंटरव्यूज़ होने थे. तो मैं जैसे ही एंटर किया, आई सॉ कि मेरे जूते का जो सोल है वो फट गया है पूरा. दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. और देर वॉज नो सच, मतलब कॉबलर, आई कुड नॉट फाइंड एनी मोची जो मतलब कुछ कर पाए, या कोई शॉप भी नहीं खुली थी क्योंकि इट वॉज अराउंड 8 AM जहाँ मैं नए जूते ले सकूँ या ऐसा कुछ. आई वॉज टोटली लाइक पैनिक स्ट्रिकन कि क्या होगा यार, अब तो लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ करके. इट वॉज अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन. फिर उसके बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तो इट वेंट वेल. इंटरव्यू जो गया, फिर इंटरव्यू में जैसे
अभी मैं इंटरव्यू जो सोल की बात है वो इंटरव्यू में आई वॉज जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग टू गॉड कि प्लीज बस मेरा जूता नहीं देखे वो. ओके, डिड दे नोटिस सर? दे नोटिस्ड इट. Did they say anything about it? No, they didn't say anything about it. Okay. But I think आपके interview और अच्छा गया था. हाँ, मेरा उन्होंने last moment पे notice किया. Okay. Actually ऐसा setup था कि तीन sofa रखे हुए थे, वो लोग वहाँ बैठे हुए थे, मैं सामने बैठा हुआ था. Okay. And there was a small table in the middle. तो मेरे shoes जो हैं वो ढक गए थे. लेकिन उस समय क्या हुआ कि मेरा interview जब गया, तो I was very confident और मुझसे CA से related सवाल पूछे और कॉमर्स से रिलेटेड सवाल पूछे, वो सारे के सारे सवाल मैंने अच्छे से हैंडल किए, अच्छे से टैकल किए. वो टैकल करने के बाद फिर जब मैं जब निकलने वाला था, जस्ट मैं जब उठा तो माय शू मेड अ टैप नॉइज और बिल्कुल वियर्ड सा नॉइज और दे ऑल जस्ट लुक्ड एट माय शू एंड इट वाज अ वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट. आई फेल्ट लाइक कि मेरे मार्क्स काट देंगे, मेरे कुछ ना कुछ कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगा करके. आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बट I scored 40 out of 50, though. I think they didn't cut my marks for a broken shoe. As far as I have heard, SBI PO ke jo panel hote interview panel, mm-hmm. they're very harsh for the interview. As far as my experience is concerned, hamara jo interview hua tha, wo jaise my name is Vicky, to alphabetically I come down last the order, to sabka interview ho gaya. Or they were like coming up with very sad faces. My friends, my colleagues, or I didn't know them very well, but wo log aa rahe the and they were giving their reviews and I was like devastated. Oh my God. I felt like, oh my God, how will I be able to handle such people? Like they're giving so much pressure. They actually want to check your pressure. How well can you handle the pressure? So, and you were last but one. I was second last. So all of this happened aur mujhe रिव्यूज़ बहुत नेगेटिव मिले, हार्श मिले और देवर हार्श ऑन मी टू, बट आई कुड हैंडल देम वेल, सो इट वेंट स्मूथ. दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. तो या, एंड टेल मी दिस वन इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपका नाम वैसे वी से स्टार्ट होता है, सो देयर वर अ लॉट ऑफ मेनी पीपल फ्रॉम ए टू वी, एंड इतने सारे इंटरव्यू के बीच में यू हैड टू सिट देयर वॉच देम कम आउटसाइड द इंटरव्यू पैनल एंड उनकी शक्ल देखोगे तो अजीब लगता है. समटाइम्स यू फील डीमोटिवेटेड एज वेल, यू लूज योरसेल्फ. सो व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर फेज? दैट्स वेयर दैट्स लाइक यू हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, यू आर राइट देयर द मोमेंट, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैड टू होल्ड ऑन योरसेल्फ. हाउ डिड यू डू दैट? आई हैव दिस सिली हैबिट ऑफ क्रैकिंग जोक्स एट बैड टाइम्स. ओके, तो दैट इज माय वे ऑफ हैंडलिंग प्रेशर. मैं पीजे मारता रहता हूँ या पीजे पढ़ता रहता हूँ. अच्छा, दैट्स द थिंग. तो कुछ ना कुछ बोलता रहता था, कुछ ना कुछ बात करता रहता था. इवन इफ आई डोंट नो द अदर गाय सिटिंग अराउंड मी, सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तो वो बंदे से मैं बात करता रहता था और बोलता था यार तो क्या है, कहाँ आ गए यार, कहाँ फंस गए करके. तो ऐसे से करके मस्ती कर रहे थे हम लोग. अच्छा, तो दैट वॉज माई वे ऑफ प्रेशर हैंडलिंग. अच्छा, बाकी प्रेशर तो बहुत ज्यादा था, इमेंस था. लाइक वेन यू आर सिटिंग फ्रॉम द मॉर्निंग एंड your interview happens after 4 PM, so 8-10 ghante ke reviews ke baad thoda sa handle karne mein problem to aa raha tha, lekin last tak main apne jokes ke balbute you had a moment, happy moment. I set up a very positive environment around me aur jo mere saath bhi the wo bhi masti kar rahe the, to that it helped the other people as well. Obviously they helped me, I helped them. That's interesting, that's nice. And you also had an interesting point in the GD as well. Yes, the panelists, those jo panelists wahan baithe hue the, they were looking at us and suddenly one of the panelists asked ki how many of you are engineers, and 10 of them were sitting there and I was the only one with my hands down. Okay, 9 of them were engineers and I was like, oh my God, like obviously 8 out of 10 engineers get selected and I am the only one with commerce background. Ho sakta hai iska koi negative impact na pade, panelist na kuch negative soch rahe ho, par aisa kuch nahi hota hai. This was all a myth, all a misconception that got broken us din mera, jis din result aaya. And how many were selected in the group interview? Group discussion mein out of 10 only I was selected. Oh, 9 engineers, they could not do it unfortunately, but it's a boost up for commerce background students. You just cannot demotivate the commerce students, you cannot demean them. It's commerce background students are equally well versed as engineer background students, so it's all right. That is true. And how was the moment when you got to know ki aap
अकेले हो जो कॉमर्स बैकग्राउंड से एंड यू गॉट सेलेक्टेड. सो यू मस्ट हैव डन समथिंग व्हिच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू गेट सेलेक्टेड इन द ग्रुप डिस्कशन. एंड कैन यू टेल अस कि टॉपिक क्या था एंड आपने किया क्या था एग्जैक्टली? हाँ, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू थैंक माय मेंटर अगेन सौरभ सर. एक दिन मिला था मुझे केवल प्रिपरेशन करने के लिए जीडी का. मैं बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ टाउन ड्यू टू सम वेरी अर्जेंट वर्क. तो आउट ऑफ टाउन था तो सौरभ सर ने मुझे एक दिन बोला कि एक दिन भी आओ लेकिन आओ. तो एक मेरा जो मेंटोर थे उन्होंने मुझे एक टिप बताई थी जो मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ, दैट हेल्प मी अ लॉट. और हम लोग का एक जीडी का टॉपिक था, उसमें टॉपिक था कि आप कैरेक्टराइज करिए. एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ तो थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा समझना कि क्या कहना चाहते थे. वो इनफैक्ट ये कहना चाहते थे कि आप उनके क्वेश्चन और अपने डिस्कशन के बीच एक अंडरलाइंग क्रिएट कर लीजिए, एक ऐसा बेस क्रिएट कर लीजिए जिसके अराउंड डिस्कशन रिवॉल्व हो. तो मेरा जो टॉपिक था वो मेरे टॉपिक ऐसा था कि इसमें आपका 10 कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया आपको, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी ऐसे करके, और उसमें आपको कैटेगराइज करना था विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट अ ह्यूमन शुड पोजेस, और 10th वाली थी कि विच इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट अमंगस्ट ऑल ऑफ दोज. तो उसमें मुझे उन्होंने मतलब आई फेल्ट लाइक कि आई कैन क्रिएट अ बेस. तो उस टाइम पर मैंने जब पेनलिस्ट ने स्टार्ट किया, आई डिड नॉट स्टार्ट विद द जीडी. तो दैट इज़ ऑल्सो अ मिथ कि जो स्टार्ट करता है वो उसको कुछ एडवांटेज मिलता है. ही लुक्स वेरी पॉजिटिव बट योर कंटेंट शुड बी स्ट्रांग, योर बेस शुड बी स्ट्रांग. तो हमारे उसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने स्टार्ट किया तो आई इंटरवीन्ड इन द मिडल और आई सेड कि वी ऑल लिव टू लाइव्स, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ. तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों कैटेगरीज में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेट्स कैटेगराइज देम अकॉर्डिंगली. तो जो पूरा जीडी जो रिवॉल्व हुआ ना, इट ऑल रिवॉल्व अराउंड कि हाँ ये पर्सनल लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, हाँ ये प्रोफेशनल लाइफ में इम्पॉर्टेंट है. आई डिड नॉट इवन गेव टू मैनी ओपिनियंस अबाउट इट कि हाँ कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा कम. पर इंटरव्यू में जीडी में ऐसा हो गया कि इट ऑल रिवॉल्व अराउंड द बेस दैट आई क्रिएटेड. ओके. और वन ऑफ द पेनलिस्ट वॉज ऑल्सो कॉमन इन द इंटरव्यू वन. तो इंटरव्यू में जब मैं बैठा तो उन पैनलिस्ट ने ही अप्रिशिएटेड मी फॉर दैट कि उन्होंने बोला कि यू क्रिएटेड अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ बेस जिसपे पूरा जीडी रिवॉल्व हुआ और उससे मतलब इट वाज ब्रिलियंट, इट वाज अमेजिंग द वे यू हैंडल्ड एवरीथिंग, इट वाज वेरी नाइस ऑफ यू. तो वो अप्रिशिएशन मिला. तो आई वुड लाइक टू शेयर दिस टिप. ये टिप बहुत लोगों को नहीं पता होती है लेकिन इफ़ यू कैन क्रिएट अ बेस यू शुड क्रिएट अ बेस. दैट्स इट. So there are a lot of myths and you know some people follow the tips ki GD kaise karte hain. Did you have something of that sort or did you make up your mind ki aap aise base create karenge and to get all the people talk around that particular idea? GD mein basically do cheeze hi check hoti hain, aapka decision making and the way you handle all the people well. To mujhe to do teen tips yahi mili thi ki aap ek base create kariye aur agar aap nahi bhi kar pate to you put your point well. तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऐसा पॉइंट ऐसा ही डिस्कशन आ जाए. समटाइम्स द टॉपिक्स आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपको नहीं मिले वैसा अपॉर्चुनिटी कि आप बेस क्रिएट कर पाओ, आपका दिमाग वैसा नहीं चले. तो यू पुट अप योर पॉइंट वेल, यू पुट अप योर पॉइंट कॉन्फिडेंटली एंड इफ़ यू हैव गॉट सम फैक्ट अबाउट समथिंग देन यू पुट दैट फैक्ट इन द जीडी. ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट विच यू आर मेंशन. एंड कमिंग टू द इंटरव्यू अगेन, एंड if most of the people think ki aap interview mein you show yourself and it's not more ki unko pata hota ki obviously aapne exam clear kiya hua hai, gd bhi clear kiya hua, so you know the stuff which is required for the examination. So what do they exactly check in the interview phase? In interview phase they won't check your knowledge, they would check the fact that how good of a person you are and how well you can handle the pressure. Like if you are like how good can you be for the organization as a whole. Interviews are meant for this. To mera jo interview hua tha usme jo panelists the they were like grilling me all the time. Okay. Ha, they were like ek cheez pucha fir uske aur deep chale gaye fir aur deep chale gaye fir aur deep chale gaye. I could handle it up to a level fir uske baad I was like ki sorry na ho payega isse zyada deep mat jaiye karke. So they were like they were seeing they must have seen something ki no he's handling the pressure well.
which is why I got good marks. So, I think the first thing they check is pressure handling, because being in a banking industry, pressure is too much. So you've got to handle pressure. You've got to know that fact. So you had a misfortune during the interview exam as well. And some people say ki dress code is very important. And you did not have that particular dress code at that particular day. Yes, I did. But some people lose out their mind ki aisa ho gaya mere saath. But how did you handle yourself? Matlab aapne kaise aage badha apne aap ko? Self-motivation is very important. Aur us time par I was just able to remember everyone around the effort that they put up in me, aur unhone jo mujhe help kiya, aur wo main kahin na kahin wo cheez destroy nahi hone dena chahta tha. Meri maa hamesha kehti thi mujhse ki mera beta lakhon mein ek hai. To usko us bharose ko mukammal karne ke liye hi maine sab kuch kiya hai aaj ke time pe. Jo bhi kiya hai usko bharose ko mukammal karne ke liye kiya hai. To wo motivation मेरे लिए हमेशा मेरी फैमिली से आता था, मेरे सपोर्टर्स से आता था, मेरे फ्रेंड्स से आता था. तो वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ ठीक है, थिंग्स गो बैड, थिंग्स आर नॉट एज परफेक्ट एज यू हैड थॉट इट वुड बी, पर आई विल डू इट, आई विल नेल द एग्जाम, आई विल नेल द इंटरव्यू, आई विल नेल द GD एंड आई विल किल इट. तो ये चीज़ अपने अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और आप अगर खुद पर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो आई डोंट थिंक एनी एनर्जी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू, आई डोंट थिंक इट विल स्टॉप यू. और आप एक एग्जाम में फेल होते हैं, मैं कितने एग्जाम में फेल हुआ हूँ, आई हैव सीन अ सीरीज ऑफ फेलियर्स. 5-6 बार फेल होने के बाद उसके बाद उठा हूँ मैं, उभरा हूँ, एंड आई एम राइट नाउ अ डेप्यूटी मैनेजर विद SBI. तो आई गॉट ऑल्सो प्रमोटेड रिसेंटली. तो उसमें like we all see failures, पर मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास खुद का motivation है, आपके पास लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, एक दो ही लोग हों, तो आप आगे बढ़ सकते हो अपने motivation को रखकर और मेहनत को रखकर. luck कुछ नहीं होता, luck is nothing. अगर आप hardworking हैं तो yes, my hard work is my luck. and I always say these things ki let your luck salute your hard work. Let your luck salute your hard work. That's a wonderful line. So was there any line or the quote or poem which motivated you all the while? There were many poems. I am a lot into reading. Par ek jo hai wo maine khud hi likha tha. Acha. You would like to say a few words about that? I would like to say that poem. Ki if you change the way you think, you change the way you feel, and if you change the way you feel, you change the way you act, and if you change the way you act, you change your life. So that's I wonderful. Changed my thought process. Jab main 3 baar CA mein fail hua, the only thing that I did was changing my thought process about it. The only thing that I did was gather a bit of support from my family members and the ones who love, aur unke support ke balbute par hi main आगे बढ़ गया. दैट्स द थिंग. और सेल्फ मोटिवेशन, थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स सब मिला है एंड आई कुड कुक वेल. ग्रेट. सो द सक्सेस बिहाइंड यू टुडे इज नॉट ओनली योर सक्सेस, द लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, योर मेंटर एंड मेनी अदर पीपल, दोज हु केम अक्रॉस योर लाइफ. वुड यू लाइक टू गिव सम मैसेज टू देम? या श्योर, आई वुड लव टू गिव द मैसेज. थैंक यू मम्मा, thank you papa, thank you didi, thank you to all my cousins who have always been very supportive, thank you to all my friends neha nilay aur baki sare ke sare log jo mere background support rahe hain. aaj main yahan khada hu to mere piche aap logon ka support raha hai, isliye main yahan khada hu, warna main kabhi soch bhi nahi sakta tha ki main aaj itni upar aa sakta hu. aur itna zyada aap logon ka jo support raha, I am very grateful to you all. और आप लोगों के लिए मेरे दिल में हमेशा एक स्पेशल प्लेस रहेगी. थैंक यू. दैट इज़ द जर्नी ऑफ विकी खियानी. ही फेल इन मेनी एग्जाम्स, बट देन ही केम अक्रॉस SBI एंड ही कॉन्कर्ड इट. सो इट इज़ रियली नाइस टू नो अबाउट यू, एंड यू नो आई वुड लाइक यू टू इंस्पायर फ्यू ऑफ एस्पिरेंट्स हु आर जो हु आर गोना गिव द एग्जाम इन लेटर स्टेज ऑफ देयर लाइफ. सो कुछ मैसेज या कुछ टिप्स, एनीथिंग व्हिच यू कैन गिव देम? मैंने एक शेर पढ़ा था
उसमें ये लिखा होता, करके तूफानों से दोस्ती हम चले हैं अपनी मंजिल की राह पर, अब आ जाए कोई तूफान वो सर झुकाएगा हमारी चाह पर। तो आप किसी भी दौर से गुजर रहे हैं, आप कितनी ही बुरी सिचुएशन में हैं, लेकिन वो जो टाइम है आपको एज अ पर्सन इम्प्रूव करेगा, हमेशा इम्प्रूव करेगा। और आप जो है उसको एज अ नेगेटिव फैक्टर नहीं लीजिए, आप डिप्रेशन से वापस आइए, आप उसमें अपने फैमिली का सपोर्ट लीजिए, आप सबका सपोर्ट लीजिए, आप बातें शेयर करिए, अपने अंदर बिल्कुल मत रखिए, दैट किल्स यू एज अ पर्सन। आप डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश करिए और अपना हार्डवर्क, अपने एफर्ट्स पुट इन करिए। अपना हार्डवर्क और अपने एफर्ट्स पुट इन करेंगे तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। हर साल कैंडिडेट हो रहे हैं सिलेक्ट, 2,000, 2,200, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं, कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ, बट यू कैन डू इट, वी ऑल कैन डू इट। एंड आई बिलीव इफ आई कैन डू इट, अ फेलियर कैन डू इट, अ लूजर कैन डू इट, देन यू कैन डू इट, यू श्योरली कैन डू इट। दैट्स नाइस। And we have a small thing for you. We have a gift from Unacademy. Oh, thank you. Thank you. Thank you. I hope you like it. Thank you so much. It's huge. So we have one small round, which is rapid fire round, to know more about you as a person. Okay. It's just a fun round and just few questions. Okay. Sure. Okay. If you like to have tea with someone, who would that be? I would love to have tea with Raghuram Rajan. So you mentioned that you love reading books and articles and many other things. Mm-hmm. So what was the last book which you read? The Unposted Letter by Mahatriyara. So what's the most proudest moment of your life? In my life, the proudest moment was the fact that when my father had happy tears for me. If you like to have some kind of superpower, what would that be? If I would have some superpower, I'll put up equality in the whole world as far as finance is concerned, as far as financial status are concerned, because there's too much inequality in India, and I've worked in rural branches. They don't have anything to eat, and there are people like who have thousands of crores rupees. So I would put up equality in everyone's hands and distribute money equally so that the economy runs. So just last one question. If you were to give a message to your 13-year-old self, what would that be? I would tell him to respect women. I would tell him to respect your family and give more and more time to them, because they are the ones who are going to stand for you. And I would also tell myself, a 13-year-old myself, to be very strong and not focus too much on studies. Don't be a topper. Be an average guy who excels in everything. I have become that, but 13-year-old me was not like that. He was okay. Too much into studies. Okay, but aap topper the vaise class mein, right? Class topper tha. I was amongst top 5 in class. Okay, okay, that's nice. So we have a ritual in our show. We usually tag one other topper, mm-hmm, who you would like to come on the show, and mm-hmm, we would like to know the story as well. Mm-hmm. So who would you like to tag? I have three friends, all three of them are my batchmates, and three are very different altogether as individuals. Akhil Chaturvedi, Himanshu Baghel and Rishabh Joshi. They would love to come and share their experience. That's nice. So Akhil, Rishabh and Himanshu, be ready for a call. We'll contact you as soon as possible, and we'll also know your story. So be ready for the Camera TV Toppers as well. So yeah, it was really wonderful to know your story, to know your... the whole experience, the journey from nothing to SBI PO, right? That's my story. Nothing to SBI PO. So it is really wonderful to know that, and we are very happy to have you here as well. And we wish you good luck for your future, and always be happy and be smiling. Thank you so much. Thank you so much. It was wonderful. It was an amazing experience with you guys. You are doing a great job. Thank you so much.